आप दोनों में से कोई ड्रामे गोरों शोरों के पढ़ते रहे हैं, कोई अच्छी किताबें शिताबें पढ़ते हैं आप? निदा, मुझे तो लव स्टोरीज पसंद है। तो अभी तक मोहब्बत हुई है निदा? सर किसी और को हुई होगी, तुम्हें ना हुई हो। सर हुई थी लेकिन बस फिर खत्म हो गई वो। ये बड़ी आपकी देखभाल ज्यादा क्यों नहीं हुई है? फिर उसकी शादी, किस किस्म की मोहब्बतें हैं कि ये दो सेकंड में खत्म हुई? मैं आजकल के आप लोगों के बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ यार। It was a very long relationship for like 6 years, and then he got married. Yeah, he got married. तुम strong-headed हो। मर्द भागता है strong-headed औरतों से, मैंने सुना है। और पाकिस्तानी मर्द तो दूर से भागता है। ऐसे हो गए थे कि हम अलग होना पड़ा, वरना तो ऐसे कोई मसला नहीं। अच्छी बात है, मुझे लगता है strong-headed होना बहुत जरूरी है। अम्मी के कहने पे शादी करोगे? अम्मी के कहने पे बिल्कुल। मेरा ये I will get settled। एक मिनट दीदा, उस बच्चे को बात करने दो। I will get settled. फर्स्ट मैं, मेरा मेन जो प्रायोरिटी है वो सेटल होने में कितने साल लगेंगे क्या देख सर? अभी कितना तो 6-8 साल कुछ भी शादी का प्लान नहीं। 6-8 साल बाद करूंगा, कोई पसंद आ गई तो आई विल गेट मैरिड। 6-7-8 साल बाद बस प्रायोरिटी पहले होना चाहिए आपके काम, आपको जिंदगी में बन जाओ ताकि जो आ रही है वो भी आपके साथ अच्छी तरह सेटल हो, आपकी फैमिली सेटल हो, पैसे होने आप इंडिपेंडेंट हो, पैसे होने चाहिए। पैसा बहुत जरूरी है। पैसा कुछ 200-400 करोड़ से कम पे नहीं है तो बच्चे इंतजार करे बेटा, जो भी हो आप और इनका अगर इंतजार करिए तो 8-10 साल तो भूल जाओ, अपना काम करो, दूसरी शादी कर लो, कोई मसला नहीं, ये नहीं आएगा। तुम बहुत बेवफा टाइप के मर्द, तुमने ही सोच लिया कि तुम्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं होनी 8-10 साल या? सर जब होगी तब देखेंगे, जल्दी शादी करना इज नॉट द सॉल्यूशन, आप बाद में भी कर सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन एट द एंड आपकी कमिटमेंट अगर हो ठीक, अगर आप लेकर चल सको, जो आ रही है उसकी भी जिंदगी खराब। तो अम्मा ने तुम्हारी कमिटमेंट करनी है, तुझे तो पता ही नहीं है इन चीजों का। अम्मा की गलती होगी आखिर में। जब अगर कुछ गलती हुई तो अम्मा आपने करवाई थी, ये क्या करवाया है आप? तुम एक खुली किताब हो, जैसे एक होता है अदाकार एक खुली किताब होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारा बच्चा। छोटा सा ब्रेक लेंगे जिंदगी विशाल जयसिंह के साथ।